दोस्तों आज हम बिजनेस या स्टार्टअप फंड रेजिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप के लिए पैसे की जरूरत है और आप कोई इंटरेस्ट फ्री कोलेट्रल फ्री पैसा चाहते हैं जिसमें लोन की तरह इसे वापस लौटाने का कोई कंडीशन ना हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इक्विटी फंडिंग क्या होती है और ये कैसे बैंक लोन या डेट फंडिंग से डिफरेंट है। नंबर टू, इक्विटी फंडिंग रेज करने की मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब किनको ये फंडिंग मिल सकती है। नंबर तीन, इक्विटी फंडिंग कैसे रेज की जाती है और इक्विटी फंडिंग के कौन कौन से स्टेज और कौन कौन से प्रकार होते हैं। नंबर फोर, इन्वेस्टर को अप्रोच कैसे किया जाता है, यानी उनसे मीटिंग कैसे सेट की जाती है और मीटिंग से पहले के क्या क्या प्रिपरेशन होते हैं। नंबर फाइव, डील को क्लोज करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो आपको ये पूरा नॉलेज मिलेगा और इसके साथ में मैं आपसे एक बोनस पॉइंट भी शेयर करूंगा कि इन्वेस्टर स्टार्टअप में पैसे लगाने से पहले कौन कौन सी बातों को देखते हैं जिनके बेसिस पर वो आपकी कंपनी में पैसे लगाएंगे। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर आपके बिजनेस को रन करने के लिए, मार्केटिंग के लिए या फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको पैसे देता है और इसके बदले में आपकी कंपनी का कुछ शेयर लेता है, यानी कि वो आपका शेयर होल्डर बन जाता है, आपके बिजनेस में हिस्सेदार बन जाता है। तो बैंक लोन और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? बैंक लोन में जहां आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, वहीं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार की कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है। बैंक लोन में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है। बैंक लोन में आपको लोन रिपे करना पड़ता है, आपको मंथली ईएमआई देनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्वेस्टर आपको पैसे देकर आपकी कंपनी का शेयर परचेज किया है और उसने आपको ये पैसा कंपनी को ग्रो करने के लिए दिया है, इसलिए यहाँ पर पैसे लौटाने की जरूरत नहीं होती है। इक्विटी फंडिंग लेने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसमें सबसे पहला ये है कि आपकी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप में है या एलएलपी में है तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, आपको अपने कंपनी को कन्वर्ट करना होगा प्राइवेट लिमिटेड में। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी कंपनी स्टार्टअप इंडिया से सर्टिफाइड होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना बिल्कुल आसान है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, आपके बिजनेस मॉडल को स्केलेबल होना चाहिए, मतलब आपको किसी दुकान को खोलने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। इक्विटी इन्वेस्टर कभी भी छोटे बिजनेस के लिए पैसे नहीं देते हैं, वो उसी बिजनेस को पैसे देते हैं जो आज भले ही छोटा हो पर आगे चलकर बहुत बड़ा हो सकता है। इक्विटी फंडिंग मुख्यतः चार प्रकार की होती है। पहला, सीड फंडिंग। ये फंडिंग आपको बिल्कुल शुरुआत में मिलता है। बेसिकली ये फंडिंग आपको बिजनेस के प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के लिए दिया जाता है। सीड फंडिंग मुख्यतः स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंक्यूबेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स HNI भी सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सीड फंडिंग में किसी स्टार्टअप को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। वाई कॉम्बिनेटर, 500 स्टार्टअप, GHB एक्सेलेटर, आई एक्सेलेटर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलेटर, टी लैब, ये सारे एक्सेलेटर और इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। एंजल फंडिंग आपको एंजल इन्वेस्टर से मिलता है। एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा होता है, और वो हाई ग्रोथ करने वाले बिजनेस में अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस से हाई रिटर्न चाहते हैं। एंजल इन्वेस्टर जनरली 15 लाख से 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंजल फंडिंग के लिए आप इंडियन एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल नेटवर्क पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ढेरों एंजल इन्वेस्टर लिस्टेड हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है VC फंडिंग। VC आपके कंपनी में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, सीरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिसे हम सीरीज ए, सीरीज बी, सी, डी भी कहते हैं। जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। सीरीज ए की इन्वेस्टमेंट करीब 1 से लेके $3 मिलियन की होती है, मतलब करीब 7 करोड़ से लेके 21 करोड़ तक की होती है। अगर हम इंडिया के टॉप VC फर्म के बारे में बात करेंगे तो इसमें प्रमुख नाम मैट्रिक्स पार्टनर, सिकोया, लाइट स्पीड, कलाड़ी कैपिटल, ब्लूम वेंचर, एक्सल पार्टनर, सैप पार्टनर, इन सब का है। ये सारे इंस्टीट्यूशनल VC स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे VCs हैं
वीसी फंडिंग के बाद जो चौथे प्रकार की इन्वेस्टमेंट फंडिंग होती है वो होती है पीई फंडिंग, मतलब प्राइवेट इक्विटी फंडिंग। वीसी फंडिंग के बाद जब आपकी कंपनी काफी बड़ी हो जाती है और प्रॉफिटेबल रन कर रही होती है, तब उस समय आपके कंपनी में पीई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। पीई का इन्वेस्टमेंट साइज काफी बड़ा होता है, वो 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुख्यतः प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा आप अपनी कंपनी का आईपीओ भी ला सकते हैं, यानी एक स्टॉक एक्सचेंज में आप अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं जहां से आम जनता भी आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और आपकी कंपनी का शेयर ले सकती है। आप अपनी कंपनी को इंडिया या इंडिया से बाहर भी लिस्ट करा सकते हैं। अब इंडिया में भी कंपनी का आईपीओ निकालना काफी आसान हो गया है, सिर्फ 2 साल पुरानी प्रॉफिटेबल कंपनी भी इंडिया में आईपीओ निकाल सकती है। बीएसई के स्टार्टअप आईपीओ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाकर आप बाकी जानकारियां चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले आपको 5 सालों का बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसमें आपको सेल्स, रेवेन्यू, मार्केटिंग एक्सपेंस, सैलरी, ऑपरेशन कॉस्ट, ग्रोथ, नेट प्रॉफिट जैसे एलिमेंट्स को शो करना होगा। इसके बाद इसी बिजनेस प्लान के बेसिस पे आपको इन्वेस्टर डेक तैयार करना होगा जिसे आप इन्वेस्टर को प्रेजेंट करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको अपने बिजनेस मॉडल को समझाना है कि कैसे आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। आपको अपने इंडस्ट्री, कंपटीशन, उसके चैलेंजेस, उसके प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। आपको अपने कस्टमर के बारे में बात करनी है, अपने नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन के बारे में बात करनी है। आपको अपने फाउंडिंग टीम के बारे में बहुत अच्छे से बताना है कि किस तरह आपके फाउंडर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बिजनेस को स्ट्रेंथ देते हैं। और आपको ये बताना है कि आपको पैसा क्यों चाहिए, कितना चाहिए और ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। बिजनेस प्लान और इन्वेस्टर डेक रेडी हो जाने के बाद आप अब इन्वेस्टर को कैसे टारगेट करेंगे। फंड रेजिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेल्स कॉल की तरह होता है। आप इन्वेस्टर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनके कंपनी के वेबसाइट से उनकी ईमेल आईडी और फोन नंबर निकाल कर उनको डायरेक्ट कॉल या ईमेल कर सकते हैं और अपने कंपनी का इंट्रोडक्शन भेज सकते हैं। और जिस तरह से सेल्स में फॉलो अप होता है और पाइपलाइन होता है, उसी तरह फंड रेजिंग में भी फॉलो अप और पाइपलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप इन्वेस्टर से डील वर्बली क्लोज कर लेते हैं तो उसके बाद इन्वेस्टर और आपके बीच में सबसे पहले टर्म शीट साइन होता है, जिसमें बेसिकली इन्वेस्टर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस शॉर्ट में लिखे होते हैं। टर्म शीट एग्जीक्यूट होने के बाद जो फाइनल स्टेप है वो है एसएचए का, शेयर होल्डर एग्रीमेंट का, जिसमें सारे टर्म्स, कंपनी की पॉलिसी, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ डिटेल में होता है। एसएचए साइन करने के बाद इन्वेस्टर आपके कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, जिसके बाद आपको उनका शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। तो इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में क्या चीज देखकर पैसे डालता है? नंबर वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द टीम। जी हाँ, इन्वेस्टर सबसे पहले आपकी टीम को देखता है कि इस बिजनेस को एग्जीक्यूट करने वाले टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, क्या उनमें इतना स्ट्रेंथ है कि वो इस बिजनेस को रन कर सकें, कहीं उनका इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए टीम होता है। सेकंड, वो देखते हैं कि आपका बिजनेस कितना स्केलेबल है, मतलब ये कितना बड़ा हो सकता है इन फ्यूचर। थर्ड, टेक्नोलॉजी। अगर आपका बिजनेस ई कॉमर्स रिलेटेड है, फिनटेक से रिलेटेड है, टेक स्टार्टअप है, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी देखते हैं कि आपका टेक्नोलॉजी कितना साउंड और यूनिक है। फोर्थ पॉइंट, कॉम्पिटिशन। वो ये भी चेक करते हैं कि आपके बिजनेस में, आपके इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जो आपको निगल जाए, आपको खत्म कर दे। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो देखते हैं कि अगर आपके बिजनेस में वो पैसे लगाएंगे तो उनको उसका रिटर्न कितना मिलेगा। इन 5 चीजों की बेसिस पे इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में पैसे लगाता है। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।